और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी यहीं से जेल भेजूंगा मैं, माइंड यू, सॉरी सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? यू शुड नो हाउ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट। सर, किसने भेजा है आपको? प्रावधान वही तो बता रहा हूं, आप समझने को तैयार नहीं है जी। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। जी कॉन्स्टिट्यूशन में आप प्रावधान, प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में आप जो सटीक से प्रावधान है बात वो करिए। बता रहा हूं नहीं मैं। नहीं यू टॉक टू टॉक प्रॉपरली। आप ये मैं मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहां दिए, पढ़ के बता बताइए। रहा हाँ हूं ना, बताइए। हाँ आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्ती। अरे लेट नोटिस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल, शुभ नाम बताइए आपका। माय लॉर्ड मैं बता नहीं, रहा, फर्स्ट आपको, आप कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा आप। आपको हाई कोर्ट में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है। इशू नोटिस माय अगेंस्ट दी लॉर्ड पिटिशनर आर्टिकल काउंसिल फिफ्ट श्री, आपका शुभ नाम बताइए। आर्टिकल 51 में प्रावधान है वो मैं बता रहा हूँ। पहले मैंने आपसे सवाल क्या पूछा पहले था, तो आप सुन ही नहीं रहे मैंने आप। आपसे सवाल क्या पूछा था, पहले मेरा सवाल बताइए, वो सवाल ये मैं जो आर्गुमेंट पहले कर, मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ उसको आप पहले सुने, आर्गुमेंट सुने हम नहीं ना। सुनेंगे आपका आर्गुमेंट, नहीं आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं 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 सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो कंटेम्प्ट का नोटिस इश्यू करेंगे, आपको जेल भेजेंगे। ऑथराइज सॉरी सॉरी किया है आपको ये फाइल, पिटीशन फाइल करने के लिए कहाँ है ऑथराइजेशन, पहले ऑथराइजेशन बताइए पिटीशन फाइल करने के लिए। तहजीब से बात करना सीखो, पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले बताइए किसने ऑथराइज किया आपको ये पिटीशन लगाने के लिए। सर्वे ये आदिवासी बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। ये बताइए सर, आदि समाज, आदि आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन कहाँ है पिटीशन फाइल करने के लिए। मिलोर्ड इसमें तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर लोगे। नहीं तुम नहीं नहीं मेरा ये भूल जाते हो कि जिस दिन हमने जेल भेज दिया उस दिन सारी वकालत बंद हो जाएगी। सॉरी बोल रहा हूँ, यू शुड बी सॉरी। कितनी कॉस्ट के साथ इसको खारिज करना है पिटीशन को? ये ऑलरेडी डिसाइडेड वन पिटीशन, 11185 हाँ माय लॉर्ड सेम है। पिटीशन इज नाउ बीइंग फाइल्ड बाय डिफरेंट नहीं पर्संस, कितनी कॉस्ट लगाना है ये बताइएगा। माय लॉर्ड है वो अरियर पिटीशन एंड प्रेजेंट पिटीशन वाज डिफरेंट फैक्ट एंड डिफरेंट ग्राउंड। क्या लिखा है इसमें बताइएगा। इसमें एनेक्जर P1 देखेंगे माय लॉर्ड, P1 आप ईवन बताइए। ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। यही आपके ये वही ग्राउंड्स हैं, नहीं सारे वही नहीं ग्राउंड्स हैं, नहीं पैसा है। माई लॉर्ड नीचे में पढ़ रहा हूँ ना, जिला पढ़ प्रशासन द्वारा पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर कहाँ, विस्तार, पढ़ किस पेज पे पढ़ रहे हैं आप? पेज नंबर 12 हाँ कहाँ पढ़ रहे हैं? नीचे, हाँ जी जिला प्रशासन द्वारा पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों विस्तार अधिनियम 1996 की धारा 4 घ में प्रदत्त अधिकारों का हनन उल्लंघन किया जा रहा आपने है वो पिटीशन पढ़ी है, वो जी। पिटीशन और उसमें हमारा ऑर्डर पढ़ा है नहीं पढ़ा है? आप जी उस बोल रहे हैं अलग है, माई लॉर्ड में अलग है ना इन साहब इसमें। एक मिनट, पहले पूरी बात सुनिए। हैव यू गॉन थ्रू दैट ऑर्डर? आपके जो स्पॉन्सर करता है उन्होंने आपको वो आदेश पढ़वाया कि नहीं पढ़वाया जो वो हमने पिछली तारीख को पास किया, पारित किया है? उस ऑर्डर में माय लॉर्ड ग्राम सभा की परमिशन पे नहीं लिया गया इस आधार पे। और इसमें ये है, हाँ इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है माय लॉर्ड कि जी वेयर इज प्रोग्राम्स बीइंग डन माय लॉर्ड, द बिग देव इज द प्लेस देयर माय लॉर्ड। जी क्या जहाँ कहें, पे कार्यक्रम कराया जा रहा है माय लॉर्ड वहाँ पर बड़ा देव का स्थान पूर्व से स्थापित है। यही तो बता रहा हूँ मैं नीचे, क्या लिखा है पढ़िए। यह कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा जहाँ ग्राम भादुकोट कथावाचन किया जाना नियत किया गया है, उक्त ग्राम और स्थान पर आदिवासियों को पैंट थाना बड़ा देव भगवान स्थल है, जो कि आदिवासी गौण समाज के लिए आस्था का प्रतीक है। अतः उक्त ग्राम स्थल पर कथावाचक के आयोजन से आदिवासी बताइए बड़ा देव भगवान स्थल जो है जी वहां से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का कैसे किसी के कथावाचन करने से अपमान होता है? दो सवालों के जवाब दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। उनके पूर्व से पहले बताइए क्या मान्यताएं हैं, कहाँ लिखा है आपने पिटीशन में उनकी क्या मान्यताएं हैं? मैं माय लॉर्ड में आप कहते हैं कि किसी की मान्यता है तो उस मान्यता के संबंध में विस्तृत विवरण होना चाहिए याचिका में, क्या विवरण है बताइए। इसमें माय लॉर्ड में पढ़ के बता रहा हूँ। द कहाँ से पढ़ पिटिशन के बता रहे हैं? पिटिशन हाँ बताइए, पैराग्राफ नंबर दी पैराग्राफ 1 है माय लॉर्ड, द पिटिशनर हैज है आपको, लगवाई है उनसे, इतना तो समझ लीजिए। हम आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं, दिक्कत यही होती है कि उस वकील को खड़ा कर देते हैं जिसको सवाल का उत्तर देने का भी वो नहीं है।
आई एम आस्किंग यू अ डायरेक्ट क्वेश्चन दैट व्हेन यू से ऑन पेज 12 कि बड़ा वहां बड़ा देव भगवान स्थल है और उससे आदिवासियों की मान्यताओं को आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। मैंने आपसे सवाल पूछा इस बड़ा देव भगवान से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं को किसी कथा के करने से कैसे ठेस पहुंचेगी। अब आपका हिंदी में भी बता दिया सवाल, अंग्रेजी में भी बता दिया, उसका उत्तर दीजिए पहले। माय लॉर्ड, उस जगह के अलावा अन्य दूसरे स्थान पे अगर कराया जाए तो कोई विरोध नहीं है वहाँ। अरे पहले हमारे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, हु आर यू टू डिसाइड कि कौन से स्थान पर होगा कौन से स्थान पर नहीं होगा। पहले आपको ये तो बताना पड़ेगा क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का किस प्रकार से कुठाराघात होगा, उन मान्यताओं पर उन मान्यताओं का हनन होगा, अपमान होगा, ये तो समझाइए आप हमको। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, यू टॉक टू टॉक प्रॉपर्ली। आप ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी है, पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। हाँ, आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे Let notices be issued for contempt against the council. शुभनाम बताइए आपका। My Lord, मैं बता नहीं, first आपको हम contempt का notice जारी कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा आप। आपको High Court में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है। Issue notice against the petitioner. Article 50 श्री, आपका शुभनाम बताइए। Article 51 में प्रावधान है, वो मैं बता रहा हूँ। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। सवाल ये मैं जो आर्गुमेंट, पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ उसको आप पहले सुने, आर्गुमेंट सुने। नहीं सुनेंगे आपका आर्गुमेंट, नहीं आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं, नहीं 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 सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो अब आप दूसरा सवाल सुनिए उसका उत्तर दीजिए पहले, फिर संविधान पढ़ेंगे। ये सर्व आदिवासी समाज कौन है, किसने ऑथराइज किया है आपको ये फाइल पिटीशन फाइल करने के लिए, कहा है ऑथराइजेशन, पहले ऑथराइजेशन बताइए पिटीशन फाइल करने के लिए। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी यहीं से जेल भेजूंगा मैं, माइंड यू सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? तजीब से बात करना सीखो। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले बताइए किसने ऑथराइज किया आपको पिटीशन लगाने के लिए, सर्वे आदिवासी। ये बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। ये बताइए सर्व आदि समाज, आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन कहाँ है पिटीशन फाइल करने के लिए। तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर लोगे। नहीं, नहीं, नहीं। तुम ये भूल जाते हो कि जिस दिन हमने जेल भेज दिया उस दिन सारी वकालत बंद हो जाएगी। सॉरी बोल रहा हूं, यू शुड बी सॉरी। तुम लोगों को सिखा के भेजा जाता है कि बदतमीजी करो। प्रश्न का उत्तर नहीं दो और बदतमीजी करोगे और फिर बोलते हो आप सुन नहीं रहे। हम पिटीशन पढ़ के आते हैं, हमें मालूम है क्या सवाल पूछना है। क्या नाम है आपका? जीएस उद्दे जी। जीएस उद्दे, कितने साल से वकालत कर रहे हो? 2007-08। हाई कोर्ट में कब से हो? 7-8 से। हाँ तो तुम्हें वकालत करने का सिखाया नहीं कि कैसे कोर्ट से बात की जाती है?